आगे बढ़ेंगे। यूपी कांग्रेस को जल्द मिल सकता है नया प्रभारी। बता दें, लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को मिलेगा नया प्रभारी। यूपी कांग्रेस प्रभारी के लिए तीन नामों पर चर्चा जो है काफी तेज हो गई है। दिग्विजय सिंह, तारिक अनवर, वही जितेंद्र सिंह का नाम जो है शामिल है। तो देखिए, आपको जानकारी दे दें, लोकसभा चुनाव से पहले यूपी कांग्रेस प्रभारी मिल सकता है। यूपी में कांग्रेस को प्रभारी मिल सकता है। इसमें तीन नाम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इन्हीं नामों को लेकर चर्चाएं जो है काफी तेज हो गई हैं। तो ये बड़ी खबर देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको जानकारी दे दे इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि यूपी कांग्रेस को जल्द मिल सकता है नया प्रभारी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को नया प्रभारी मिलेगा। यूपी कांग्रेस प्रभारी के लिए तीन नामों पर चर्चा काफी तेज है। दिग्विजय सिंह, तारिक अनवर, जितेंद्र सिंह का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। तो हमारे सहयोगी चंद्रमणि लगातार सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिर से उन्हीं का रुख करते हैं। चंद्रमणि, अब जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहा है और यह भी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस को यूपी में नया प्रभारी मिल सकता है, तीन नाम चर्चाएं में हैं। जी निश्चित तौर से, जैसे कि लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और जिस तरह से प्रियंका गांधी की यूपी को लेकर सक्रियता कम हुई है, तो उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का कांग्रेस को कोई नया प्रभारी मिल सकता, उसको लेकर कई नामों पर चर्चा चल रही है। वहीं अगर बात करें नामों में, चर्चित नामों में, तो दिग्विजय सिंह की चर्चा काफी तेज है और उसके पीछे भी कई कारण है, क्योंकि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी अनुभव रहा है, बगल के राज्य से आते हैं और काफी लंबा सियासी तजुर्बा है, और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के संभालने के लिए, यहाँ पर रणनीति तैयार करने के लिए, और जिस तरह से कांग्रेस यहाँ पर हाशिए पर पहुंच गई है, उसके लिए किसी बड़े नेता या बड़े रणनीतिकार को यहाँ पर उतरना पड़ेगा। हालांकि प्रियंका गांधी को उतरने के साथ ही ये कहा गया था कि बड़ा बदलाव आएगा, लेकिन लगातार जो कांग्रेस को यहाँ पर निराशा ही हार लगी। अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो इनके पास सिर्फ दो ही विधायक बचे हैं, वही लोकसभा में सिर्फ सोनिया गांधी ही यहां से सांसद बची हुई। बिल्कुल बिल्कुल चंद्रमणि, जिस तरह की लहर कांग्रेस की देखने को मिली थी विधानसभा चुनाव में, हालांकि कुछ अच्छा कमाल नहीं हुआ। फिलहाल अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में किस तरह कांग्रेस जो है कमाल करती है। फिलहाल बने रहिएगा, फिर से रुख करूंगी आपका। तो लखनऊ से ये बड़ी